अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोनी। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई और इसे बनाने के लिए बहुत ही झटपट बनकर तैयार होती है। इसे ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं लगता है, घर के रखी हुई चीज़ों से बनकर तैयार होती है। इसे मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे जब घर में बनाकर आप पी लेंगे, इसे मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आसान तरीके से बनेगी और इसे बार बार बनाकर पिएंगे और बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। इसे बनाने के लिए अभी गर्मी का सीजन में पक्के पक्के आम आ रहे हैं, इसलिए घर में फ्रूटी बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत जल्दी झटपट से बन के तैयार होती है फ्रूटी। इसे बनाने का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह बनती है। ये देखिए, मैं यहाँ पर ली हूँ पके पके दो आम। ये वजन में मापो तो 1 किलो के आसपास आम है। मैं इस तरह से इसका बनाऊंगी फ्रूटी। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी आप बनाकर स्टोर कर रख सकते हैं। ये 10 से 15 दिन तक कुछ ख़राब नहीं होगा। मैं आपको इसको दिखाती हूँ किस तरह बनकर तैयार होती है। इसका ऊपरी भाग काट लेंगे और यह आम को छील लेंगे। इस तरह से यह आम को छील लेंगे। बहुत मीठे आम है। आप जिस तरह से आम लेंगे आपका फ्रूटी उस कलर का आएगा। तो मैं इसे दोनों आमों को छील रही हूँ। मैं दोनों आमों को छील के ले चुकी हूँ। अब इसे इसका पल्प निकाल लेंगे। इसका पल्प को इस तरह से काटते हुए निकाल लेंगे। इसे ज़्यादा बनाकर इसे स्टोर कर लेना फ्रिज में। यह ठंडी ठंडी फ्रूटी पीने में बहुत ही मज़ा, अच्छा उसका स्वाद अच्छा आता है। इस तरह से इसे काट के इसका गुठली अलग कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं आएगी इसे बनाने में। बहुत आसान तरीके से घर में रखी हुई चीज़ों से बनके तैयार होती है। इसका फल को निकाल के गुठली को अलग कर लेंगे। मैं दोनों आमों को काट के ले चुकी हूँ। अब इसे एक ग्राइंडिंग जार लेंगे। इसमें मैं डाल लूँगी इसका फल को। इसे फाइन पेस्ट बना लेंगे। चिकना होने तक इसे पीस के लेकर आती हूँ। ग्राइंडिंग जार में फाइन पेस्ट बना के लेके आ गई। ये देखिए कितना महीन बना है। अब इसे क्या कर लेंगे, ये मोटे तले का कढ़ाई ली हूँ, इसमें डाल लेंगे सारे पल्प को। और थोड़ा इसमें थोड़ा पल्प रह चुका है, इसमें थोड़ा पानी ऐड करके इसे हिलाते हुए इसमें ऐड कर लूँगी। ये सारा पल्प मैं निकल चुकी हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे हिला लूँगी। जितना पल्प है वो सब आ जाएगा इसमें। इसमें डाल लूँगी। ये बहुत ही गाढ़ा बन के तैयार हुआ है, आपको दिखाती हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। गैस लगाकर एक कढ़ाई रख दी हूँ। ये बहुत गाढ़ी है, इसमें थोड़ा मैं पानी ऐड करूँगी। ये थोड़ा सा पानी मैं ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा पानी मत ऐड करना। अब इसे पका लेंगे। ये बहुत जल्दी पककर तैयार होती है। 4 से 5 मिनट इसे लगेंगे पकने में। ये जैसे जैसे पकते जाएगा इसका शाइन होते जाएगा। ये हमारा आम जो है इसे चलाते हुए इस तरह बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इसे चलाते हुए 4 से 5 मिनट में पका के आपको बताती हूँ इसमें और क्या डालना है। ये 2 से 3 मिनट में पका ली हूँ। अब मैं इसमें डाल लूँगी 1 कप चीनी। 1 कप चीनी मैं ली हूँ। यह आम मेरे ज़्यादा मीठे हैं, मैं इसलिए थोड़ा कम मीठा ले रही हूँ। आप चाहें तो इसे ज़्यादा भी ले सकते हैं, मीठा अपने हिसाब से आप लेना। अब मैं इसे मिला लूँगी। मुझे चीनी डालने पर इसका कलर और थोड़ा डार्क हो जाएगा। जैसे जैसे पकता जाएगा ये शाइन होते जाएगा। यह आम का पल्प का कढ़ाई एक गैस पर रख के 2 से 3 मिनट में पका चुकी हूँ। अब इसमें 1 कप में चीनी ऐड की हूँ, इसमें डाल चुकी हूँ। और जैसे जैसे पकता जाएगा
इसका शाइन होता जाएगा और इसका कलर भी चेंज होता जाएगा, जैसे फ्रूटी का कलर उस तरह से आ जाएगा। ये जो साइड में ये पपड़ी से जम जाएगी तब इसका परफेक्ट पककर तैयार होगी। इसे और 3 से 4 मिनट इसे पका लेती हूँ। इसे पूरा 5 से 6 मिनट में पक के तैयार होती है। इस तरह से इसे पका लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगता इसे। इसे इसी तरह से बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इसे चलाते हुए इसे मीडियम हाई फ्लेम पर इसे पका लेना और 1 से 2 मिनट इसे पकने दीजिए। ये परफेक्ट हमारा फ्रूटी बन के तैयार होगी। इस तरह से जिस तरह जैसे जैसे पकता जाएगा वो और भी डार्क होते जाएगी। ये देखिए, ये ऊपर हमारा पपड़ी सी जम चुकी है इस तरह से। अब इसमें मैं डाल लूँगी 1 चम्मच विनेगर, वाइट विनेगर, ये जो चाइनीज़ फूड में गिरता है, मैं इसमें डाल लूँगी। ये ज़्यादा टाइम रखने पर ये ख़राब नहीं होगा, 20 से 25 दिन भी रख लेंगे कुछ ख़राब नहीं होगा। इसे अब चलाते हुए मैं इसे बंद कर लूँगी। ये परफेक्ट कुक हो चुका है। मैं कर लेती हूँ गैस बंद। अब मैं इसे ठंडा करने देती हूँ। ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसे किस तरह से बनाना है। ये देखिए, हमारा आम का मिश्रण ठंडा हो चुका है। बहुत ठंडा होने पर यह गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसे क्या करूँगी, एक बर्तन में इसे छान लेंगे, छन्नी से छान लेंगे इस तरह से डालते हुए इसे छान लेंगे सारे पल्प का। इसे फाइन बना लेंगे इस तरह से छानते हुए। अब इसे क्या करना है, इस तरह से हिलाते हुए इसे छान लेंगे। बहुत आसान तरीके से छान के तैयार हो जाएगा। आप भी इस तरह छान लेना। कोई भी दरदरा रह चुका है तो उसे छानने पर वो निकल आएगा। ये सारे आम का पल्प का मैं छान चुकी हूँ। इस तरह से थोड़ा कुछ बच चुका है, इसे मैं दबा दबा कर इसे सारा जो पल्प है उसे निकाल लूँगी और जो बच जाएगा उसे फेंक देंगे। ये थोड़ा बच चुका है, इसे मैं हटा रही हूँ और हमारा चिकना वाला मिश्रण तैयार है रोटी के लिए। ये बिल्कुल भी तैयार है। देखिए, बहुत गाढ़ा, बहुत अच्छा कलर आया है। अब मैं इसमें ठंडा पानी ऐड करूँगी। इसे अच्छी तरह से मिला लेना। इसे और 1 गिलास पानी ऐड करूँगी। हिसाब से पानी ऐड करना। मैं इस तरह से 2 गिलास पानी ऐड की हूँ। आप चाहें तो और भी थोड़ा इसे पतला बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। अब मैं इसे आपको परोस के दिखाती हूँ। ये ठंडी ठंडी फ्रूटी हमारा बनकर तैयार है, कितनी गाढ़ी बनी है। आप चाहें तो इसे और थोड़ा पतला भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से इसका टेक्स्चर रहेगा तो ये ज़्यादा टेस्ट में आएगा। अब मैं इसे परोस लेती हूँ। अब मैं इसे ग्लास में सर्व कर रही हूँ, इस तरह से डाल लूँगी। ये मेरे पक्के आम का फ्रूटी बन के तैयार है। मैं इसे आम से, पक्के आम से गार्निश कर चुकी हूँ। अब मेरे 2 आमों से कितने सारे फ्रूटी बन के तैयार हुई है। आप इसे मार्केट में ख़रीदेंगे तो ज़्यादा रुपीज़ में आएंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और दोस्तों और रिलेटिव के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़।